हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आज मैं टंडो मोहम्मद खान के शहर के अंदर एक मंडी लगती है जो कि 24 घंटे 12 महीने लगी रहती है। इसके अंदर गायें भी होती हैं, भैंसें भी होती हैं और ये बहुत बड़ी मंडी है। कोई तकरीबन होगा 20-25 एकड़ के ऊपर ये मुश्तमिल होगी, ठीक है। उसके अंदर ये भैंसें भी आती हैं और ये 20-25 एकड़ के ऊपर जो होगी ये तमाम की तमाम जो है वो ख़रीद व फरोख्त की है। बाड़ा इसमें चंद एक है, लेकिन उन्हें भी अगर पैसे अच्छे मिल जाते हैं तो वो भी गाय या भैंस जो भी उनके पास माल होता है वो सेल कर देते हैं। बाकी मज़ीद मालूमात इन्हें गायों के हवाले से हम करते हैं, ये इनके ऑनर खड़े हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे अर्ज़ है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, इनसे मालूम करते हैं रेट का। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताएंगे नहीं तांज नालो? अच्छा, उर्दू में बात करूं भले? उर्दू में नहीं, नहीं। अच्छा सही, ये वाड़ो के जोआ है। अच्छा, ये सब वेकू माल है, ये सब बिकने वाला है, ठीक है। सही ने जो रेट बताए जो लख नेजा लख, इसके 1 लाख रुपए बता रहे हैं ये। साईं खीर घणो होंदो इन में? बाखड़ी है, बाखड़ी समझो के यानी के इसका दूध भी ख़त्म हो चुका है, यानी के आखिरी दूध है, बस पछाड़ी का दूध है और अभी सुने वाली लगने वाली है, अभी ये लग सकती है, ठीक है सही। और ये वाली, ये भी ऐसे ही कितने की? 2.20 की है ये। अच्छा, और ये वाली? ये भी 2.20 की है। ये सब 2.20 की है ये सारी। इसमें माशाल्लाह दूध लग रहा है कि एक टाइम का 6-7 किलो होगा, ठीक है। और इसके अंदर भी 5-6 किलो लग रहा है दूध, और इसका थोड़ा सा कम है क्योंकि ऑस्ट्रेलियन है और थोड़ी सी चराई कम है इसकी। अच्छा साईं, फ़ोन नंबर है सेठ का? नहीं, नंबर नहीं है। फ़ोन नंबर नहीं है? साईं फ़ोन नंबर होगा क्या? फ़ोन नंबर नहीं होगा, मोबाइल नहीं है। चलो, और भी आगे भी भैंसें खड़ी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं सुजुकी के आगे जो है वो गायें हैं, उनसे भी रेट मालूम करता हूँ और फिर बताता हूँ मैं आपको उनके रेट। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस मंडी का मुकम्मल विज़िट आप करके दिखा दूँ आपको, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि इस सिर्फ बग़ैर किसी रेट के मालूमात किए मैं सिर्फ इस मंडी का पूरा विज़िट करवा दूँगा आपको, इस ताकि इसके अंदर आप भैंसे भी देख सकें और गायें जिस कदर होंगी वो भी आप अंदाज़ा लगा सकें। और ये टंडो मोहम्मद खान शहर के अंदर है, फुलेली एक नहर है, चैनल नहर के बिल्कुल साथ है ये जगह। तो ये 24 घंटे 12 महीने यहाँ पर माल आता रहता है और ख़रीदो फरोख्त के लिए जाता रहता है, यानी कि 24 घंटे 12 महीने यहाँ पर लोग रहते हैं, माल की ख़रीदो फरोख्त होती रहती है। अगर आपका विज़िट हो और आप आना चाहें, यहाँ से माल ख़रीदना चाहें, तो यहाँ से आप माल भी ख़रीद सकते हैं। चलिए दूसरी तरफ चलते हैं, उनसे रेट मालूम करते हैं। अच्छा, ये भी गाय इनके पास खड़ी हुई है, तो ये गाय, ये बच्चा है यानी कि ईद के लिए है, और ये दो गाय है दूध वाली, इसका एक सींग टूट गया है, ये भी अभी नहीं है, और ये भी ईद के लिए होगी। और ये जानवर हैं, इनसे अभी रेट मालूम करते हैं कि क्या रेट दे रहे हैं इनके। पीछे ऑस्ट्रेलियन मेल खड़ा हुआ है, इनसे रेट मालूम करते हैं अभी। साईं इसके रेट बताना। इसके 85 हज़ार रुपये, ठीक है। अच्छा, और ये वाला? ये सत्तर की देंगे। और ये वाली? वो भी 70। और वो जो दूध वाली है? दूध वाली 1,10,000 की। 1,10,000 रुपए की। दूध कितना है तकरीबन इसका? दूध 4 किलो। 4 किलो, दो दो किलो कर दिए। और ये वाली? ये लाख रुपए की है। ये अभी लगी है? नहीं लगी है। अभी लगी नहीं, आज लगे। अच्छा, और ये? ये बेचने वाली नहीं है, सही है। वो बेचने वाली। अच्छा, वो जो खड़ा हुआ मेल, ये 55,000 रुपए का। ये वाली दो?
ये 75,000 रुपये की है। इसका एक सींग टूट गया है, लेकिन ये भी दूध वाली है और ये अभी नए दूध होगी, यानी कि अभी लगने वाली है, गबन हुई नहीं है, गबन होगी अभी। अच्छा, वो तीन खड़े रहते हैं, उनका भी मालूम करते हैं। साईं इसका बताना, ये वाले का 110,000 रुपये, और ये सुवाई है, इसका बच्चा। अच्छा, बछड़ा मैं दिखाता हूँ आपको अभी, और ये मेल है, डेढ़ गाय। ठीक है साईं, इसका दूध कितना होगा? 6-6 किलो। चलो, इसका बच्चा जो है वो ये रहा, आप देख सकते हैं, ये रहा इसका बच्चा। ठीक है, अभी और भी गायें हैं आगे, उनके भी बनाता हूँ। ये जो है, ये गायों और भैंसों दोनों की मंडी, और ये माशाल्लाह देखें ज़रा, इसका स्टाइल देखें, और इसका सींग भी देखें, इसका पेट भी देखें, कमर भी देखें, मेरे रब की कुदरत है ये, माशाल्लाह से। चलिए, वीडियो में भी दूसरी बनाऊंगा, माल बहुत ज़्यादा है, इंशाल्लाह मैं सारे माल का जो है ना वो विज़िट करूँगा, फिर आपको माल सारा दिखा दूँगा, ठीक है, लेकिन वो दूसरी वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाह।